हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम फिर से बहुत दिनों के बाद हम फिर से मिल रहे हैं गाइस। मैंने कल ही एक वीडियो अपलोड कल नहीं परसों एक वीडियो अपलोड किया था यार, वो पबजी का। बस नया मोबाइल वगैरह ले लिया है, अभी अभी कंटिन्यू करेंगे यूट्यूब को। अभी बहुत गैप हो गया, बहुत बहुत गैप हो गया भाई। अभी कंटिन्यू करेंगे, अभी 2 दिन में एक वीडियो तो पक्का आएगी। हमारे UK07 भाई तो बिग बॉस में गए हुए, उनके ऊपर ट्रोल्स बन रहे हैं ना भाई, वो जोकर फेस वाला। वो थोड़े से मीम्स देखेंगे क्या। आपको कौन जीतेगा बताना गाइस कमेंट सेक्शन में। मेरे को तो लगता है UK07 ही जीतेगा। एलविश भाई खड़ा है ना पीछे, एलविश भाई की सिस्टम है यार। चलो यार मीम्स की तरफ चलते हैं। चलो खबा मेरे आधी खाली तरे कैसे हो गई, सारी उम्र मैं जो कर जबड़े आ रहा तेरे पीछे ये जिंदगी। ओ सब सब जोकर फेस वाला मुंह पे लगा लगा के भाई इज्जत उड़ा रहे भाई UK07। UK07 भाई ना पहले ही अच्छे थे, मतलब कि तुम सोच सकते हो ना, वो यूट्यूब से अच्छा चल रहा था उनका। उनको लगा है अगर फुकरा और एलिश भाई के जैसा फेम मिल सकते हैं उनको भी, नहीं यार बिग बॉस बहुत मुश्किल है यार। अब एक स्ट्रॉन्गेस्ट खड़ा कर देंगे ना तो हमारे घर से कोई नहीं जाएगा, ये समझा रहा हूँ। थोड़ा समझादार चीज है, एक बात बोलो, तुम समझाने से पहले अपनी बात को खुद समझ लो। रिश्ता तुझे और मुझे पता है, हाँ। तो हमें किसी को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है इस घर में। जिसकी जो मर्जी आ रही है, राइडर के साथ कैसे लिंक अप कर रहा है भाई। राइडर राइडर सब चिढ़ा रहे यार, सब सब मिलके चिढ़ा रहे भाई। दूर से बाइक चला के आ रहे हो क्या बाबू भैया? बाबू भैया, बाबू भैया खुद अपने आप भैया बताते हो। अगले दिन बिग बॉस अगर ये बोलते हैं कि भाई अगर इस ग्रुप से तो इस घर से दूसरे वाला नॉमिनेट कर रहे हैं, दूसरे ग्रुप से इस वाला नॉमिनेट कर रहे हैं, तो अगर तू मेरे मैं तेरे अनुराग बाबा का अगर प्रवचन पूरा हो गया हो तो क्यों ना आप सभी मोहल्ले के चौक में एकत्रित हो जाए। मना रहे कि ऐसी लड़की है पूरे घर में ना जो अभी भी ना दूसरों के ओपिनियन बेस्ड पे अपने डिसीजन मेकिंग कर रही है, ये उन लोगों के ओपिनियन पे चल रही है जिनके ना घर में अभी लोग सुन रहे हैं। ये सब चीजों के बावजूद आपसे ज्यादा दिखाई दे रही है भाई। सलमान खान भाई तो पीछे पड़े हुए, हाथ धो के पार्ट टाइम जॉब बना लिया है सलमान खान तो UK07 को बेइज्जत करने के लिए। पार्ट टाइम जॉब जैसा बना रखा है सलमान भाई तो, बस वही करते रहते हैं पूरे दिन, आते हैं बजा के जाते हैं। मंदिर का घंटा है देखो, वैसे बजा रहे सारे मिलके। अनुराग बाबा जी, जी आपको कितने हफ्ते काटने हैं यहाँ? जब तक आपकी कृपा बनी रहेगी बिग बॉस तब तक यहीं रहेंगे। मेरे हाथ में होता तो फिर मेरे हाथ में होता तो फिर निकाल देता। मैं आपका फेवरेट नहीं हूँ ना बिग बॉस, तो फिर जैसी आपकी मर्जी। तो फिर मेरी फेवरेट को ज्ञान क्यों बांट रहे हो? भाई ये गलत है भाई, बहुत ऐसे मजाक बहुत उड़ा रहे, मजाक लिमिट में उड़ाना चाहिए भाई। उस बंदे को क्या बीत रहा होगा बाहर आने के बाद? चलता है मजाक तो हर किसी पे चलता है, बहुत बहुत उड़ा रहे भाई मजाक तो, हद से पार कर दिया यार। और फिर दूसरी तरफ है मेरे महान नॉन टीवी फेसेस, मकान नंबर 3। ये कोई यहां भूखे थोड़े ही ना मरने आए हैं भाई, किसी का खाना छिनता है तो इनको बहुत बुरा लगता है भाई। किसी को खाना देना तो पुण्य का काम है ना, कितने महान है मेरे मकान नंबर 3 वाले। अनुराग आज पुण्य कमा पाऊंगा मैं? बिग बॉस वो तो आपके देने पे डिपेंड करता है, हम भूखे लोगों को कि क्या दे रहे हो आप। एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे लगता नहीं है कि मैं पुण्य कमा पाऊंगा आज। तू चल नया जोकर भाई, मैं सही बताऊ ना दिल से भाई UK07 को सपोर्ट करता हूँ यार। होट वोट करने के लिए तो मैं UK07 को ही करूंगा भाई। ये मुनावर भाई हमको पसंद नहीं है यार। UK07 बढ़िया आता है यार, बढ़िया बंदा है, बस उसका थोड़ा बहुत अभी मजाक उड़ रहा है। ये नया जोकर है देखो भाई, मुनावर भाई नया जोकर। विकी भैया जी आप बताइए कि घर का जीरा कौन है? जीरा वो घर जो का जीरा सब्जी में होता है लेकिन दिखता नहीं है, लेकिन इसके मायने बहुत होते हैं। जीरा कैन बी बाबू भैया। भाई बहुत गलत सीन है भाई UK07 के साथ तो। वो बंदा बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा था यार यूट्यूब में, चुपे बिग बॉस में गया है एलविश और फुकरा भाई के देखने के देख के
नहीं यार ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छे खेलते थे वो। अभी कटारिया भी आने वाला है ना बिग बॉस में, आ गया होगा लगता है। तुम ये वीडियो जब तक देख रहे हो आ गया होगा लगता है मुझे तो। बेटा तू बाइक चलाता है ना, दिमाग भी चलाया कर, उससे भी फायदा भाई ये काम क्या सारे जितने आते हैं ना भाई सब ट्रोल करे जा रहे हैं। जितने जितने बंदे आते हैं ना बिग बॉस में सब सब कोई गेस्ट आता है वो भी ट्रोल करके जा रहे हैं सब। यूके जयरसन को तो मंदिर का घंटा बना दिया भाई, कोई आता है बजा के जाता है। तो हमेशा बोलती हूँ कि तू अपना एक स्टैंड लिया कर। सर मैं अपना स्टैंड बना रहा अपने लिए लूंगा ना। अरे तुमसे तुम्हारा बाइक का स्टैंड नहीं लगता यार। भाई बाइकर के नाम पे ऐसा मत चिढ़ाओ यार, बाइक का स्टैंड नहीं लगता है कोई मतलब है। भाई यूके जयरसन भाई ना वो स्टैंड नहीं ले रहे भाई, उनके एक उनको उनको ऐसा छोड़ना ही नहीं चाहिए भाई। जैसा मतलब कि कोई तुमको कुछ भी बोले वैसा छोड़ना ही नहीं चाहिए भाई। बोलने के लिए भी चाहिए हिम्मत चाहिए वैसा रखना था वो पहले से ही, वो नहीं रखे ना भाई वो, इसलिए मीम्स वगैरह बन रहे बहुत ज्यादा ट्रोल हो रहे। उन्होंने कर्माइज बैक, वो अभी वो वाला मीम भी ट्रेंड पे चल रहा है। उसने UK07 ने फुकरा इंसान को सपोर्ट नहीं किया था ना भाई, एलिश को सपोर्ट किया था ना, अभी सब ट्रोल कर रहे कर्माइज बैक करे, सारे मीम्स चल रहे। मेरे इंस्टाग्राम इंस्टा रील्स फीड में तो वही चल रहा है कर्माइज बैक। फुकरा भाई भी कल वीडियो बना दिया उसके ऊपर, तो वही चल रहे है। तो गाइस आपने देखा इस मीम्स में तो ऐसा नहीं होना था भाई, ये गलत है, गलत हुआ है। फिर भी मेरे को तो लग रहा है UK07 नहीं जीतेगा। तो गाइस जैसे कि आपने देखे UK07 के काफी सारे ट्रोल्स या समझ लो मीम्स, तो UK07 की भलाई है बाहर निकल जाए बिग बॉस से तो उनके ही भलाई है। अभी नहीं तो अभी ट्रोल होंगे, अभी बहुत सारे लोग ट्रोल करते रहेंगे। तो आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।